हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से एक नई लोन एप्लीकेशन लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड और एक सेल्फी के बेस पे ही लोन मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपने स्टेटमेंट की एक स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आसानी से हर किसी को मिल जाएगी। अगर आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं या फिर नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना है, अपना स्टेटमेंट लेना है। स्टेटमेंट का दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है, बस यही छोटा सा काम करना है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने एप्लीकेशन को ओपन किया, हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक हेरिवल। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, हम जैसे ही गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर ऑलरेडी आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर लीजिए, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों, हम जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे ओटीपी डालनी पड़ेगी। ओटीपी के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला है, उस पर ओटीपी आएगा। तो दोस्तों, हमारा ओटीपी आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे हमने 2-3 बार ट्राई किया, तब जाके ओटीपी आया है। आपको भी यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करना है। तो चलिए मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे हमें 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड भी बना लिया है। मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें परमिशन को अलाउ कर देना है। चलिए मैं अलाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे सामने दो अमाउंट दिखाया जा रहा है, एक है 5,000 का, एक है दोस्तों 5,500, यानी कि 5,500 का, ठीक है? दोस्तों, जो 5,000 वाला अमाउंट है वो है 7 दिन के लिए, जो 5,500 वाला अमाउंट है वो है 14 दिन के लिए, ठीक है? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज अमाउंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि जो आप 5,000 वाला अमाउंट लेके आप रीपेमेंट कर दोगे, तो आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करके ये 6,000 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 5,500 वाला लेकर रीपेमेंट कर देते हो, तो इसको इंक्रीज़ करके 6,500 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर दोस्तों 1,000 रुपये आपको दोनों में बढ़ा दिया जाएगा, अगर आप ये अमाउंट लेकर रीपेमेंट सही टाइम पे कर देते हैं। तो चलिए हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 5,000 वाला जो अमाउंट है उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप 5,000 वाला अमाउंट लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट 5,000 है। इसका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बनेगा 34 रुपये। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है वो 750 रुपये है, ठीक है? जीएसटी इसका जो है 135 रुपये है। दोस्तों, आपका डिस्पर्सल अमाउंट है 4,115 रुपये, ठीक है? आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 5,034 रुपये, ठीक है? तो दोस्तों, कुल मिला के आपको 4,115 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है? बाकी का जो अमाउंट है, यानी कि लगभग 800-900 रुपये, वो आपको कंपनी को, समझ लीजिए, प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट के नाम पे देना पड़ेगा, ठीक है? अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो 5,500 वाला अमाउंट है उसमें क्या है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 5,500 वाला अमाउंट लेते हैं, तो 74 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है? प्रोसेसिंग फ़ी है इसकी 1,100 रुपये। इसका जीएसटी चार्ज है 198 रुपये। इसका डिस्पर्सल अमाउंट है 4,202 रुपये, ठीक है? टोटल रीपेमेंट है इसकी दोस्तों 5,574 रुपये। तो कुल मिला के दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल 100 रुपये ही ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे दोस्तों 4,100 रुपये दिया जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों 4,200 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों वही पहला वाला ही बेस्ट है, ठीक है? 5,000 वाला ही बेस्ट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो टाइम है वो कम है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, मैं इसी को अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 14 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है आप प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है? तो दोस्तों, ये अमाउंट लेने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे इस बॉक्स पे हमें टिक लगाना है, और बाद में यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी सर्टिफिकेशन, आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन,
बैंक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पे जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे आपके सामने आता है रिलीजन, आपका किस कैटेगरी में रिलीजन आता है यानी कि धर्म, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश तेलुगु, यानी कि आपका भाषा क्या है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, व्हाट्सएप नंबर आपको देना है दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट और नोट, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि आप स्टूडेंट है या नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बताते हैं। तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे लोन पर्पस, लोन पर्पस यानी कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, पे मेडिकल डाल लेता हूँ, ठीक है। आप जो मर्जी डाल दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप भी मेडिकल डालेंगे। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन यानी कि आप कितना पढ़ाई कर रखे हैं वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे मदर नेम, मैरिज स्टेटस, कुल मिला के दोस्तों ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो जो भी हमारी डिटेल अभी बची हुई है मैं उसको फिल कर देता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बताता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूरा फिल कर दिया है, जो भी यहाँ पे भरना चाहिए हमने सब कुछ भर दिया है। अब चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हमें फिर से आगे यहाँ पे स्टेप में भेजा गया, जैसे कि है हाउस, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नेम, स्टेट, सिटी, करेक्ट पिन कोड, परमानेंट स्टेट, परमानेंट सिटी, परमानेंट पिन कोड, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव आता है, रिलेटिव में दोस्तों आप किसी का भी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मदर का दे सकते हैं, फादर का दे सकते हैं, सिस्टर का दे सकते हैं, ब्रदर का, किसी का भी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अपने ब्रदर का दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे उनका नेम देना है आपको, मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रेंड नेम, फ्रेंड का मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं पहले ये सारी डिटेल फिल कर देता हूँ, ठीक है, पूरी कंप्लीट, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डन हो चुका है, अब बारी आती है यहाँ पे कंपनी सर्टिफिकेशन की। चलिए मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे है कंपनी का नेम, वर्किंग साइंस यानी कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी आती है, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग क्या यानी कि आप किस पोस्ट पे काम करते हैं, आपका सैलरी किस डेट में आता है, ऑफिस का पिन कोड, ऑफिस का एड्रेस, ठीक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कॉलेज नेम है, कॉलेज मोबाइल नंबर है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सैलरीड पर्सन हो, ठीक है। अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तभी आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ऑक्यूपेशन है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पे जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं उनका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई छोटा काम करते हैं तब भी यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं अपनी यहाँ पे कंपनी की जो सर्टिफिकेशन है उसको कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं हमने क्या क्या फिल किया है, आप भी अगर चाहें तो ये सब फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई भी प्राइवेट काम है या आपकी कोई भी दुकान वगैरह है, तो जैसे ही आपका है वैसे आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कंपनी का डिटेल डालें। अगर आप कोई काम करते हैं तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको देना है। कोई यहाँ पे आपसे प्रूफ नहीं मांगी जाएगी, ठीक है, केवल आपको यहाँ पे एड्रेस देना है उसका और उसका नाम वगैरह यहाँ पे दे देना है, आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो हमने अपनी डिटेल यहाँ पे डाल दिया, मैं सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कंपनी का सर्टिफिकेशन भी डन हो चुका है। अब दोस्तों बारी आती है आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन की, तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन में है ई आधार, ठीक है। ई आधार मतलब दोस्तों आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है यहाँ पे, आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का बैक फोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, पैन कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड नंबर, ठीक है, नेम दे देना है आपको, फादर्स का नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी दे देनी है। तो चलिए दोस्तों ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, यानी कि अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारे आधार कार्ड का आगे का फोटो, पीछे का फोटो हमने अपलोड कर दिया, मैं यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी सेल्फी भी अपलोड हो चुकी है, अब यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड किया, ऑटोमेटिक हमारा पैन नंबर, हमारा नेम, हमारे फादर का नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ फिल हो गया है, ठीक है।
जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन की, तो चलिए मैं बैंक इन्फॉर्मेशन पे भी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, आईएफएससी कोड देना है सबसे पहले, और उसके बाद बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पे या तो आप अपना कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं, या फिर पे स्लिप अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए बाकी काम मैं पहले कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है, जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया है, उसका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है, वहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसी को मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये बैंक वाली डिटेल है, सब कुछ यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी सर्टिफिकेशन, आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन, बैंक इन्फो, सब कुछ डन हो चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फिर से हमें सीधा यहाँ पे लोन पे आ जाना है। दोस्तों लोन पे आने के बाद अब हमें फिर से इस बॉक्स पे टिक लगाना है और यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ कॉन्टेक्ट टू अर्न मनी, यस, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्लिक करना है सिग्नेचर नाव पे, तो चलिए हम यहाँ पे सिग्नेचर नाव पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें साइन करना पड़ेगा, तो चलिए मैं अपनी साइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन था वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा जो अप्रूवल है वो पेंडिंग में है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमें केवल वेट करना है, जैसे ही हमारा अप्रूवल होता है, जो अमाउंट है हमारा, इसको हम अपने बैंक में ले सकते हैं। रही बात यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम की, तो मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेशन का नाम है मनी वाव। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है मनी वाव, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे केवल आपको कंपनी की डिटेल देनी होती है, ना कि उसकी यहाँ पे आपको कोई भी प्रूफ देना होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप काम वगैरह करते हैं या कोई भी आप छोटा मोटा जॉब करते हैं, तो वहाँ की आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आपसे कोई भी यहाँ पे आईडी वगैरह नहीं मांगी जाती है कंपनी की, केवल आपको डिटेल देनी है, इसी के बेस पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही थी छोटी सी जानकारी आज के इस वीडियो में। अगर आपका फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।